शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जमीन पर कुछ बिल्डरों ने कब्जा जमाया है, जिससे वहां की जनता डर गई है। बार बार मांग करने के बावजूद झोपड़पट्टी की जनता को उनकी मालकी की जमीन नहीं दी जा रही। इसी बात से परेशान होकर झोपड़पट्टी की जनता ने सातवीं बार महानगर पालिका दफ्तर में जाकर अपनी मांगों को लेकर आंदोलन किया। पिछले 6 महीनों से कुछ बिल्डर्स ने शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जमीन पर अपना कब्जा जमाया है, जिसकी वजह से झोपड़पट्टी की जनता ने आंदोलन किया। इस झोपड़पट्टी में कुल 1200 परिवार रहते हैं, जिनके पास मनपा के टैक्स को लेकर इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल सब कुछ होने के बावजूद नागपुर महानगर पालिका उन्हें लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पूर्व लैंड ओनरशिप बिल पास किया था, जिसका मतलब यह है कि किसी भी सरकारी जमीन को मोनिटाइज करके पैसा कमाया जा सकता है। जनता का कहना है, देश की बड़े बड़े उद्योगपतियों ने केंद्र सरकार को जेब में रखा है, यह बिल्डर ऐसे वंचित भाग में जाकर वहाँ की जमीनों पर कब्जा करते हैं। महानगर पालिका 2700 करोड़ का बजट हर साल रहने के बाद भी गरीब परिवारों को एक मालकी पट्टा देने के लिए 10 बार सोच रही है। कुछ दिनों पूर्व जनता ने पालक मंत्री नितिन राउत से मिलने की कोशिश की, उनसे मुलाकात भी की, जिसके बाद पालक मंत्री ने इस जनता को स्लम सर्टिफिकेट देने का वादा भी किया था। लेकिन जनता ने यह कहते हुए दुख जताया है कि जब मालकी पट्टा ही नहीं है तो सर्टिफिकेट का कोई फायदा ही नहीं है। शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी कोराड़ी की जनता ने सातवीं बार मालकी जमीन को लेकर महानगर पालिका के ऑफिस में जाकर आंदोलन किया। आज हम लोग ये आंदोलन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज से 6 महीने पहले से कुछ बिल्डर शिवकृष्ण धाम झोपड़पट्टी जो कुराड़ी वॉक्स कूलर के पीछे है, वहाँ पे आके कुछ ना कुछ बिल्डर और कुछ ना कुछ भू माफिया, लैंड माफिया आके अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी को लेके जनता आज डरी हुई है। करीब कम से कम वहाँ पे 1200 परिवार है जो कई सालों से वहाँ पे रह रहे हैं। मनपा के टैक्स से लेके उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल सब कुछ है उनके पास, लेकिन आज नागपुर महानगर पालिका उनको मालकी पट्टे मतलब लैंड ओनरशिप देने से कतरा रही है। उसका मुझे रीज़न नहीं पता वो क्या है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जैसे कि कुछ महीनों पहले एक लैंड मोनेटाइजेशन बिल पास किया था, जिसका मतलब ये है सरकारी ज़मीन पूरे देश की, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो बैंक की हो, चाहे वो किसी शिक्षण संस्था की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो सारी की सारी ज़मीन को मोनेटाइज कर सकते हैं, उससे वो लोग पैसा कमा सकते हैं। मतलब कि जितने भी उद्योगपति है पूरे के पूरे देश में, चाहे वो अडानी ग्रुप हो, चाहे वो अंबानी ग्रुप हो, चाहे वो कोई भी ग्रुप हो, जिसने आज सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने जेब में रखा हुआ है, ये सारी की सारी सरकारें सिर्फ कैपिटलिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है, उसी का फायदा लेते हुए ये जितने भी बिल्डर लॉबी है, चाहे वो नागपुर की बोलो, चाहे वो विदर्भ की बोलो, चाहे वो महाराष्ट्र की बोलो, चाहे वो पूरे के पूरे देश की बोलो, ये ऐसे वल्नरेबल और वंचित प्रभागों में जाके, ऐसे विभागों में जाके वो लोग अपना कब्जा जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके पहले भी आपने देखा होगा कई सारे कुख्यात आरोपी नागपुर के गुंडे आज जेल के सलाखों के पीछे है, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने पॉलिटिशियंस का, राजनेताओं का समर्थन लेके ये सब काम किया। और आज नागपुर महानगर पालिका इतने सारे पैसे कमाने के बाद भी 2700 करोड़ का बजट इनका होता है हर साल का, इसमें घर टैक्स से लेके, पानी के टैक्स से लेके, सीवर के टैक्स से लेके, रोड के टैक्स से लेके नागपुर महानगर पालिका पैसे कमा रही है, लेकिन एक मालकी पट्टा, एक गरीब को एक मालकी पट्टा देने से 10 बार सोच रही है, जबकि ये इनके हाथ में है। इसके पहले हम लोगों ने मिलने की कोशिश की नितिन राउत साहब से, उन्होंने हमको बुलाया था, जो आज नागपुर के पालक मंत्री है, उन्होंने हमसे वादा किया था कि हमको एक स्लम सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन स्लम सर्टिफिकेट लेके भी हम लोग क्या करेंगे कि जब हमको मालकी पट्टा ही नहीं मिलेगा। आज नागपुर की 12.5 लाख आबादी, मतलब एक तिहाई आबादी आज स्लम में रहती है, जिनके पास उनका मालिकी पट्टा नहीं है। मतलब कि कल चल के कोई भी उद्योगपति आके OCW जैसा यहाँ पे अगर लैंड को मोनिटाइज करने की कोशिश करता है और बिल बढ़ाता है, तो जो लैंड रहेगा, वो जो ज़मीन रहेगी, वो ऑटोमेटिकली मनपा द्वारा या राज्य सरकार या केंद्र सरकार द्वारा जिसकी भी ज़मीन है वो छीन ली जाएगी गरीब लोगों से। तो आज मूलभूत अधिकार, जो हमारा भारतीय संविधान बोलता है कि हर इंसान को उसका मूलभूत अधिकार मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए, लेकिन आज आप देख रहे हैं कि हम लोग आज सातवीं बार है नागपुर महानगर पालिका में आके बैठे हुए हैं, लेकिन आप देखिए, मतलब ये सरकार इतनी डरती है कि बाय। सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ।
अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि।